ये एक सच्ची घटना है जो कि कैलिफोर्निया सरटोगा के यूशान नेशनल पार्क में घटी थी। इस घटना को कैलिफोर्निया के न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया गया था और अब आगे की कहानी मैं आपको उस पब्लिश हुए आर्टिकल के आधार पर ही सुनाऊंगा। जुलाई 26, 1981, 14 वर्ष की स्टेसी अपने पिता के साथ समय बिताने और हॉर्स राइडिंग करने के लिए सनराइज सियरा नेशनल पार्क पहुंची थी। उस जगह पर एक बड़ी सी वाटर बॉडी भी थी जिसे टनाया लेक के नाम से फेमस जाना जाता है। स्टेसी के पिता ने आराम करने के लिए एक छोटा सा कैंप लगाने का सोचा। स्टेसी को प्रकृति की सुंदरता को कैमरे में कैद करने में बहुत खुशी मिलती थी। उसने अपने बैग से कैमरा निकाला और आसपास के जंगल, फूलों और छोटे मोटे जीव जंतुओं की फोटो लेने लगी। वो उस समय एक टैंक टॉप, लोअर और फ्लिप फ्लॉप्स पहने हुए थी। हॉर्स राइडिंग करते समय जो राइडिंग बूट्स पहने जाते हैं वो स्टेसी ने अपने उतार के रख दिए थे। स्टेसी के पिता उस वक्त टेंट लगाने में और खाना बनाने में मशहूर थे। अब सूरज डूबने लगा था। स्टेसी को एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। वो उस पत्थर पर चढ़ के सनसेट की कुछ फोटोज खींचने लगी। स्टेसी और उसके पिता काफी और लोगों के साथ आए हुए थे और उनमें से एक था जेरल्ड स्टीवर्ट। जेरल्ड ने जब स्टेसी को फोटोज क्लिक करते हुए देखा तो उसने स्टेसी से कहा कि वो एक और सुंदर जगह जानता है जहाँ स्टेसी और भी सुंदर फोटोज क्लिक कर सकती है। जेरल स्टेसी के पिता की उम्र का था और स्टेसी के पिता से उसके काफी अच्छे संबंध थे। स्टेसी अपने कैमरे को हाथ में लिए जेरल के साथ चल देती है। असल में जेरल जिस जगह की बात कर रहा था और स्टेसी को दिखाना चाहता था वो टनाया लेक ही था, सुंदर और साफ पानी की झील जो कि जंगल के बीचों बीच है। जहाँ पर स्टेसी के पिता वो अपना कैंप लगा रहे थे, ये लेक मुश्किल से वहाँ से 20 मिनट पैदल चलने की दूरी पे था। अब जेरल्ड और स्टेसी साथ में बातचीत करते हुए जा रहे थे। अब लगभग आधा रास्ता नाप लेने के बाद जेरल्ड की सांस फूलने लगी और उसने स्टेसी से थोड़ी देर रुकने को कहा। जेरल्ड एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा पर स्टेसी तो आगे बढ़ गई थी। जब जेरल्ड लेक के पास पहुंचा तो उसे स्टेसी कहीं भी नजर नहीं आई। उसने स्टेसी को काफी आवाजें लगाई और बहुत देर तक ढूंढा पर जेरल्ड को स्टेसी का नामो निशान तक नहीं मिला। जेरल्ड ने सोचा कि शायद स्टेसी उसके पहुंचने के पहले ही वापस लौट चुकी है और वो वापस आ गया। जब उसने वापस आके स्टेसी के डैड से पूछा तो उन्होंने बताया कि स्टेसी तो उनके पास लौटकर वापस आई ही नहीं है। स्टेसी के पिता ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि स्टेसी उनके साथ काफी बार हाइकिंग और कैंपिंग करने जा चुकी थी, इसलिए उनके दिमाग में था कि स्टेसी घूमने गई हो और शायद थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगी। पर काफी देर इंतजार करने के बाद उन्हें जब स्टेसी का कोई भी पता नहीं चलता है तो उन्होंने सर्च एंड रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म कर दिया और फिर शुरू होती है सर्च एंड रेस्क्यू की एक बहुत बड़ी घटना। पार्क के स्टाफ ने तुरंत बाकी की टीम को इन्फॉर्म किया। उस पूरी टीम में लगभग 150 से भी ज़्यादा वॉलंटियर्स थे। उन्होंने 2 से 3 मील के वर्ग में यानी इलाके में छानना शुरू कर दिया। अब सूरज ढलने के कारण ये सर्च एंड रेस्क्यू बहुत मुश्किल हो गई थी क्योंकि ये एक बहुत ही घना जंगल था। रात के 8 बज रहे थे और तभी खबर मिलती है कि कोई प्लास्टिक की चीज़ ऑफिसर्स को झाड़ियों में पड़ी मिली है। जब वो चीज़ स्टेसी के पिता के पास लाई गई तो उन्होंने ये बात कंफर्म की कि वो स्टेसी के कैमरे के लेंस की कैप थी। पर हैरान करने की बात ये थी कि जिस जगह पर ऑफिसर्स को ये लेंस की कैप मिली थी उसके आसपास किसी भी तरह के कोई फुटप्रिंट्स नहीं मिले थे। स्टेसी की खोज जारी रही
सुपरिटेंडेंट रॉबर्ट ने कहना था कि इस तरह स्टेसी गायब हो गई है कि मानो उसे धरती या आसमान निगल गया हो, मानो वो हवा में ही गायब हो गई हो। स्टेसी के पिता के मुताबिक उसके बूट्स अभी भी टेंट में पड़े हुए हैं और वो किसी माउंटेन के ट्रेल पे अगर जाना चाहती हो तो बिना अपने बूट्स के नहीं जाएगी, यानी सिर्फ फ्लिप फ्लॉप्स पहन के नहीं जाएगी। एक ऑफिसर का ये कहना था कि कहीं ऐसा तो नहीं स्टेसी भाग चुकी हो। उसके पिता ने बताया कि स्टेसी का एक बॉयफ्रेंड भी था। स्टेसी ने कहीं उसके साथ मिलकर भागने का फैसला तो नहीं लिया होगा। पर स्टेसी के पिता ने यह भी बताया कि अभी हाल ही में स्टेसी का बॉयफ्रेंड उनके घर आया था और वो दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे। उनके पास स्टेसी और उसकी एक तस्वीर भी थी। और अगर स्टेसी भागना भी चाहती हो तो बिना कोऑर्डिनेट्स के और बिना किसी तरह की मदद के ये कर पाना लगभग इम्पॉसिबल था। इतने घने जंगल में इस समय लोकेशन डिसाइड करना और वहाँ पहुँचना ही बहुत मुश्किल है, फिर वहाँ से भागना या निकलना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। इस घटना को कई दिन बीत जाते हैं। स्टेसी के स्कूल और उसके फ्रेंड से पता चला कि स्टेसी को स्मोकिंग करने की बहुत बुरी आदत थी। अब वो स्मोकिंग, जाहिर सी बात है, अपने पिता के सामने तो नहीं कर सकती और शायद इसीलिए वो कैंपिंग ग्राउंड से थोड़ा सा दूर स्मोक करने के लिए गई होगी। जब निकोटीन की तलब लगती है तब इंसान का दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाता। स्मोकिंग से उठा हुआ स्मोक और जली हुई सिगरेट्स को जंगल में स्पॉट करना बहुत आसान हो जाता है और शायद इसी डर से कहीं उसके पिता उसे पकड़ न ले वो जंगल में और अंदर की तरफ चली गई होगी। जब वो स्मोकिंग करने के बाद वापस आ रही होगी तब शायद वो किसी गड्ढे में गिर गई हो। स्टेसी की खोज कई दिनों तक जारी रही और फिर थक हार कर जब कोई भी एविडेंस हाथ नहीं लगता है तो 13 दिन बाद इस ऑपरेशन को सीज कर दिया गया। अब नेशनल पार्क की सर्विस अपने घुटने टेक चुकी थी। फिर कुछ समय गुजर जाने के बाद नेवाडा कोलोराडो में एक एविडेंस मिला। लोगों का मानना ये था कि शायद किसी साइकोपैथ ने स्टेसी की जान ले ली हो और उसकी बॉडी कहीं पे डाल दी हो ताकि चील कौवे उसे खा जाए। ये न्यूज़ मिलने के बाद फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने काफ़ी सारे जर्मन शेफर्ड्स को भी लाया था। मैं आपको बता दूं, ब्लड हाउंड किसी पर्टिकुलर इंसान की स्मेल को खोजने में बहुत ही अच्छे रहते हैं, पर जर्मन शेफर्ड इस स्मेल को सेंस नहीं होती। वो पूरे जंगल में मौजूद इंसानी स्मेल को खोजने में सक्षम होते हैं। 2 हेलीकॉप्टर्स को भी बुलाया गया और 30 स्कूबा डाइवर्स को भी, ताकि वो लेक के अंदर भी जाके ढूंढ सके। इस ऑपरेशन में 100 से भी ज़्यादा वॉलेंटियर्स थे। ये ऑपरेशन काफ़ी दिनों तक रेगुलरली चलता रहा। सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने अपनी खोज का इलाका 20 स्क्वायर मील्स तक अब बढ़ा दिया था। जैसे जैसे समय बीतता गया टीम को कुछ भी हाथ नहीं लगा। स्कूबा डाइवर्स ने भी 3 और वाटर बॉडीज को छान मारा पर उन्हें भी कुछ नहीं मिला। ट्रैकिंग डॉग्स यानी खोजी कुत्ते बहुत एफिशिएंट होते हैं, पर ऐसा नहीं कि वो कभी भी फेल ना हो। ऑपरेशन को एक और बार बंद कर दिया गया क्योंकि अब कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। स्टेसी हवा में कहीं गायब हो गई थी या उस जंगल ने अपने अंदर उसे समा लिया था। किसी को भी आज तक इस घटना का सटीक उत्तर नहीं मिल पाया है। मेरा नाम रॉबिन है। मैं पिछले कुछ सालों से एडिनबरा माउंटेन रेस्क्यू टीम में एक WTO की पोजीशन संभाल रहा हूँ। एडिनबरा माउंटेन रेस्क्यू टीम, जिसे शॉर्ट में EMRT भी कहा जाता है,
उसे लोकल अथॉरिटीज के द्वारा मिले हुए फंड्स की मदद से चलाया जाता है। इसका हिस्सा ज्यादातर आम लोग ही होते हैं। हमारा काम सिर्फ जंगल और नदियों की देखरेख करना नहीं होता, हमारी स्किल्स की जरूरत वेल्श पुलिस को भी समय समय पे पड़ती रहती है, खोए हुए लोगों की तलाश करने में। मैंने इस टीम में काम करते हुए ऐसा ऐसा कुछ देख रखा है कि जिसके बारे में बताने के लिए मुंह खुले नहीं खुलता। पर मेरे करियर की एक ऐसी घटना है जिसके बारे में जानकर मैं ही नहीं, मेरे साथ काम करने वाले लोगों ने भी अपना सर पकड़ लिया था। रेस्क्यू टीम को बुलाने की अनुमति सिर्फ लोकल पुलिस के पास ही होती है। अक्सर इमरजेंसी या किसी गुम हो जाने की रिपोर्ट करने पर ही हमें बुलाया जाता है। दिन हो या रात, जब कभी भी हमारी टीम को बुलाया जाता है, हमें जाना ही पड़ता है। इमरजेंसी हेडक्वार्टर्स में 999 या यहाँ क्या इमरजेंसी नंबर है, डायल करते ही रिपोर्ट को EMRT के टीम लीडर्स को भेज दिया जाता है। फिर टीम लीडर्स अपनी बाकी की टीम और पुलिस ऑफिसर्स की मदद से काम में लग जाते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हेलीकॉप्टर्स और रेस्क्यू डॉग्स की भी मदद ली जाती है। अब मैं उस घटना पर आता हूँ। वो शायद संडे की शाम थी, दिसंबर का महीना था। मैं अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ पब में बैठा ही हुआ था। हम लोग अपनी जिंदगी और काम के बारे में बातें कर रहे थे, तभी मेरी रिस्ट वॉच में आवाज आई। ये इमरजेंसी का सिग्नल था। मैं थोड़ा सहज हो जाता हूँ। मैंने अपने दोस्तों से बाय बोला और EMRT हेडक्वार्टर्स के लिए निकल जाता हूँ। मैं हेडक्वार्टर्स पहुँचा और देखा कि वो अंधेरे में डूबा पड़ा है। फिर मुझे याद आया कि कल क्रिसमस है। लगभग सारे वॉलेंटियर्स ही अपने घर क्रिसमस मनाने चले गए होंगे। मैं अंदर गया और लाइट बोर्ड को अंधेरे में दीवार के हाथ लगा लगा कर ढूंढने लगा, पर यह कोशिश नाकाम रही। अचानक मेरा हाथ लाइट स्विच पे पड़ ही जाता है और मैंने लाइट्स ऑन कर दी। मैं अपने केबिन की तरफ बढ़ा। मैंने लोकल पुलिस को फ़ोन लगाया बाकी की जानकारी लेने के लिए। टेलीफोन पर बात करते हुए ही मेरे फ़ोन पे नोटिफिकेशन आने लगे। ये बाकी के मेंबर्स के मैसेज थे, जिनमें लिखा हुआ था कि वो अपनी जगह से खोए हुए आदमी को ढूंढने निकल पड़े हैं और सब कुछ अंडर कंट्रोल है। इमरजेंसी नंबर को कॉल करने वाली एक महिला थी। उसने घबराते हुए हमें बताया कि कैसे उनके साथ उनके हस्बैंड आए थे और हवा में ही पलक झपकते गायब हो गए। हमारे टीम की फीमेल मेंबर्स ने उन्हें शांत किया और दिलासा दिया। वह महिला मानने को तैयार ही नहीं हो रही थी कि अब उनके हस्बैंड वापस भी आ पाएंगे। EMRT में इतने सालों से काम करने की वजह मेरे लिए यही है, दूसरों का हीरो बनना। जब वो पूरी तरह से टूट जाते हैं और उम्मीद छोड़ देते हैं, तब उनकी खोई हुई उम्मीद उन्हें वापस थमाना, या ये कहो उनके पिछड़े हुए व्यक्ति से उन्हें वापस मिलाना। जब वो महिला शांत हो गई, तब हमने उससे जितनी जानकारी मिल सकती थी उतनी ली। अब भरोसा भी नहीं कर पाएंगे जब आपको पता चलेगा कि छोटी से छोटी जानकारी भी खोए हुए लोगों को ढूंढने में कितनी बड़ी मदद करती है। उस महिला ने बताया कि वो लोग जंगल के नॉर्थ की तरफ जा रहे थे। यह रास्ता हाइकर्स में बहुत कॉमन है। हमें बिल्कुल भी समय नहीं गवाया और उस रास्ते पे निकल पड़े। हमें जल्दी से दो टेंट दिखाई दिए। हमने उनकी अच्छे से जांच पड़ताल की, पर हमें कुछ खास नहीं मिला। जहाँ पर हम लोग थे वहाँ से नॉर्थ में पहुँचने में लगभग 5 से ज़्यादा घंटे का समय लग जाता। अक्सर लोग जिस रास्ते पे भटक जाते हैं, हमारी टीम उसी रास्ते पे ढूंढना चालू करती है। हमें ढूंढते ढूंढते काफ़ी समय बीत गया, इसलिए हमने अब हेलीकॉप्टर्स की मदद लेने का फैसला किया। उस रात आसमान
कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहा था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आसमान में एक भी तारा दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ 6-7 मिनट बाद मुझे हेलीकॉप्टर्स की आवाज आई। हेलीकॉप्टर के पायलट को मैं अच्छे से जानता था। उसने अपनी रेडियो फ्रीक्वेंसी पे हमारी फ्रीक्वेंसी को मैच करा और उसने मुझे ग्रीट किया। तभी मुझे किसी चीज के भागने की आवाज आई, मेरा मतलब है पेड़ पत्तों और टहनियों से टकराते हुए भागने की। वो जो कुछ भी था, मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा था वो भी उसी तरफ भाग रहा था। तभी मुझे पायलट की रेडियो की ट्यून होने की आवाज आती है। उसने मुझे बताया कि कोई लंबा सा इंसान अभी छलांग लगाकर एक गड्ढे में कूद गया है। हमारी टीम जब उस लोकेशन पर पहुंचती है तो पता चला कि वो गड्ढा माइनिंग अथॉरिटीज के द्वारा खोदा गया है। एडिनबरा में काफी सारी माइंस है और कई साल पहले कुछ माइंस को अननोन कारण की वजह से बंद कर दिया गया। हमने माइन की थोड़ी खोज की और हमें एक रेड टी शर्ट मिलती है, पर हैरानी की बात यह थी कि वो टी शर्ट उस महिला के हस्बैंड की नहीं थी। जब हमें पता चला कि वो टी शर्ट किस व्यक्ति की थी तो हमारे होश टोटली उड़ जाते हैं। वो टी शर्ट 18 साल पहले गुम हुए रिचर्ड मिल्स की थी। वो भी यहाँ पर कैंपिंग के लिए आया था, पर रात होते होते वो इस जंगल का शिकार हो जाता है। 18 साल पहले जब रिचर्ड की मिसिंग रिपोर्ट लिखी गई थी तो एक बहुत ही बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू मिशन चालू हुआ था। ये मिशन लगभग 100 दिन चला था, बट पूरी AMRT टीम के हाथ रिचर्ड के कुछ भी नहीं मिला था, ऐसे जैसे कि रिचर्ड कभी उस जगह पे गया ही नहीं होगा। और अब पूरे 18 साल बाद उसकी टी शर्ट मिली। इस घटना की वजह से एडिनबरा के जंगल के बारे में न जाने किस किस प्रकार की बातें बनने लगी और एक दिन हायर अथॉरिटीज ने AMRT को बंद कर दिया। जब AMRT को बंद कर दिया गया तब मैं 66 साल का था। लोग अक्सर बुढ़ापे में हॉबीज बना लेते हैं और मैंने भी बना ली थी। वो थी कैंपिंग करना। मुझे नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा ही लगाव। मैंने अनेकों बार एडिनबरा के जंगल में कैंपिंग की है और मुझे कुछ नहीं हुआ। आप कह सकते हैं कि शायद मेरे AMRT में होने का एक्सपीरियंस है जो कि मुझे इस जंगल से बचा के रखता है, और ये कि ये जंगल मुझे अपना शिकार नहीं बना सका। मुझे अच्छे से तो याद नहीं कि ये घटना मेरे साथ कब घटी थी, पर वो डर जो मेरे मन में बैठ गया था वो मुझे आज भी महसूस होता है। मुझे कैंपिंग करने का बहुत शौक है। मेरे पिता मुझे अक्सर कैंपिंग के लिए बचपन में नई नई जगहों पर ले जाया करते थे। मैं उनके साथ फिशिंग करने के लिए भी कई बार जा चुका हूँ, और ये कहना गलत नहीं होगा कि कैंपिंग करने का शौक मुझे मेरे पिता के कारण ही हुआ। जब मैंने अपना 29वां बर्थडे सेलिब्रेट किया तब आखिरी बार मेरे पिता मेरे साथ कैंपिंग करने गए थे। वो अब काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, फिर मैंने अकेले ही कैंपिंग में जाना शुरू कर दिया। मैंने कैंपिंग करते हुए कई दोस्त बनाए, कुछ से काफ़ी गहरी दोस्ती हुई और कुछ उसके बाद नहीं मिले। ऐसे ही एक दिन मैं कैंपिंग के लिए निकल पड़ा था। मौसम काफ़ी नरम था, सूरज की धूप नरम कंबल की तरह मुझे महसूस हो रही थी। मैं जिस जगह कैंपिंग कर रहा था वहाँ से वापस आने के लिए मैंने एक 5 मील लंबी बाइक राइड वाला ट्रैक चुना। मैं धीरे धीरे मौसम और प्रकृति का लुफ्त उठाते हुए आ ही रहा था। 2 घंटे बीत चुके थे और मैं अब एक रेस्ट पॉइंट पे लंच करने के लिए रुका। मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे। मैंने वहाँ पर
कम से कम 20 मिनट बिताए होंगे और वो फिर अपनी ट्रेल पे निकल गया। तभी मुझे कुछ सामने से लोग आते हुए दिखाई दिए। वो जब मेरे नज़दीक आए तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या मैंने किसी औरत को आसपास देखा है। मैंने ना में सर हिलाया। फिर उन्होंने मुझे सारी घटना बताई। दरअसल वो लोग अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग करने के लिए आए हुए थे और उनमें से उनकी एक फीमेल फ्रेंड अब गुम हो चुकी है। मैंने उनकी मदद करने का सोचा। हमने हर उस जगह को छान मारा जहां पर किसी की खोए हुए व्यक्ति की मिलने की आशा होती है। फिर देर न करते हुए उन्होंने सर्च एंड रेस्क्यू टीम को अपनी गुम हुई दोस्त के बारे में जानकारी दी और फिर सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी उस औरत को खोजने में लग जाती है। मैं सर्च एंड रेस्क्यू टीम मेंबर्स के साथ उनकी मदद करने लगा। अब सूरज ढले हुए एक घंटा हो चुका था और हम अब भी उस औरत की तलाश में लगे हुए थे। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं रहता कि अगर आप किसी भी ट्रेल से 10 या 15 कदम भी भटक जाते हो तो आप बड़ी ही आसानी से गुम हो सकते हैं। और ज़्यादातर लोग ये भी नहीं जानते कि किसी जंगल में खोए हुए व्यक्ति को ढूंढना कितना मुश्किल होता है। आप उसी जगह से हजार बार गुजर जाएंगे पर जब तक उस जगह पर रोशनी सटीक तरीके से ना पड़े आप वहाँ पर मौजूद चीज़ को देख भी नहीं सकते। वहाँ एक छोटी सी नदी भी थी। मैं उसके किनारे ढूंढ रहा था। वो वाटर बॉडी ट्रेल से लगभग 50 फीट नीचे की तरफ थी। मेरे साथ सर्च एंड रेस्क्यू टीम के जो मेंबर्स थे वो अलग अलग आसपास की झाड़ियों में ढूंढ रहे थे। काफ़ी रात हो चुकी थी। चांद आसमान में निकल आया था। तभी मेरी आंखों में कोई चीज़ चमकी। ऐसा लग रहा था कि कोई आंखों में फ्लैश मार रहा था। मैंने झटके से अपनी आंखें बंद की और जब मैंने अपनी आंखों को खोला तो मैंने जो नज़ारा देखा वो देखकर मेरे होश पूरी तरह उड़ जाते हैं। एक औरत का शरीर उस वाटर बॉडी में किसी लकड़ी की तमान तैर रहा था। मैं एक मिनट तक अपनी जगह से नहीं हिला। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इतनी देर से इसी जगह को देखे जा रहा था फिर अचानक ये बॉडी यहाँ कैसे आती है। मैंने अपने आप को संभाला क्योंकि ये समय क्वेश्चन करने का नहीं था। मैंने जोर से चिल्लाया और मेरे पास के ऑफिसर्स को मेरी तरफ बुलाया। मैंने उन्हें हाथ से बॉडी की तरफ इशारा करके दिखाया और वो अपना रेडियो निकालते हैं और बाकी के टीम मेंबर्स को बताते हैं। उन्होंने मुझे वहीं रुकने के लिए कहा और वो अपनी टीम के डाइवर्स को लाने के लिए चले गए। अब मैं उस बॉडी के साथ अकेला था। मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। उस औरत की बॉडी पानी में न जाने कितने देर से होगी और क्या पता वो जिंदा भी होगी या नहीं। मुझे इस बात का डर लग रहा था कि वो बॉडी कहीं पानी में बहते बहते आगे न चली जाए। वो 5-10 मिनट घंटों की तरह महसूस हो रहे थे। जब ऑफिसर्स आ गए तब उनमें से कुछ लोगों ने उसकी बॉडी को बाहर निकाला। उसकी स्किन पानी में होने के कारण गल सी गई थी लेकिन जब उसकी सांसों को चेक किया गया तो वो जिंदा थी। तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और सर्च एंड रेस्क्यू मिशन वहीं पे कंप्लीट हुआ। मैं अपने घर पे था और शायद उस घटना के लगभग 5 दिन हो चुके होंगे। तभी मुझे एक कॉल आता है। वो औरत अब होश में आ चुकी थी और उस इंसान से मिलना चाहती थी जिसने उसे ढूंढा है यानी मैं। हॉस्पिटल से ये कॉल आने के अगले दिन ही मैं उस औरत से मिलने पहुंच जाता हूँ। मैं थोड़ा सा शर्मीले स्वभाव का हूँ और मैंने उस औरत से उसका नाम पूछा और हमारी थोड़ी इधर उधर की बातें हुई। उस औरत का नाम था एंजेलिना। वो 31 साल की थी। फिर सोए थे मैं बात करने के बाद मैंने उसे हिम्मत करके पूछा कि आप उस ट्रेल से इतनी दूर गए ही क्यों थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और मुझे बताया कि वो ट्रेल पे पूरा ध्यान दे रही थी। वो कैंपिंग ट्रिप उसकी पहली नहीं थी
और वो काफी एक्सपीरियंस्ड है। वो ऐसे ही जब रास्ते पे चल रही थी तभी अचानक उन्हें पानी के बहने की आवाज आने लगी। वो आवाज धीरे धीरे काफी बढ़ती गई और फिर उसके चेस्ट में काफी तेज दर्द होने लगा। वो दर्द इतना ज्यादा था कि वो अपने मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी और फिर वो बेहोश हो गई। उसे बात का कुछ उन्हें ध्यान नहीं है। मैं ये सब सुनने के बाद थोड़ी देर तक चुप रहा। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो बड़ा ही एबनॉर्मल फील हुआ हो आपको। वो हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी। वो सोचने की कोशिश करने लगी। मैंने उसे कहा कि आप अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालिए और आराम कीजिए। और तभी वो मेरी बात को बीच में काट कर बोली कि उन्होंने किसी सफ़ेद सी चमकती हुई चीज़ को देखा था। उन्होंने सोचा कि कहीं से सूरज की किरण रिफ्लेक्शन करके ऐसे दिख रही है और उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया। मैं ये सुनकर गहरी सोच में पड़ गया और मन में ही सोचने लगा, चमकती हुई चीज़, सफ़ेद चमकती हुई चीज़ जो मैंने देखी थी, वो ही या उससे अलग। मैंने उसे उस बारे में और पूछने के लिए उठा पर तभी दरवाज़ा खुला और नर्स रूम में आ गए। उन्होंने मुझे बताया कि एंजेलिना की मेडिकेशन का टाइम हो गया है। मैं समझ गया और सीधा घर आ गया। मैंने फिर उस बात के बारे में जानने की कोशिश नहीं करी और कुछ महीनों के लिए कैंपिंग कर जाना भी बंद कर दिया। मेरी एंजेलिना से उसके बाद कभी भी बात नहीं हुई है और आज भी ये एक राज है कि जंगल में वो चमकती हुई चीज़ क्या है। क्या किसी और ने इस चीज़ को देखा है या महसूस किया है? अगर कोई हो जिसने ऐसी कोई चीज़ जंगल में महसूस की हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं।